देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर स्थित दिल्ली रोड ईदगाह में भी मुस्लिम समाज के लाखों लोगों ने एक साथ नमाज अता की और देश में अमन चैन और साथ ही भाईचारे को बरकरार रखने की अल्लाह ताला से दुआ मांगी। इससे पहले नमाजियों के लिए वजू की व्यवस्था की गई और वहीं नमाज के बाद नमाजियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इसी दौरान पुलिस प्रशासन भी भारी संख्या में मुस्तैद नजर आया। इस अवसर पर मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी और आदर्श नगर के विधायक रफीन खान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सबको ईद मुबारक कहना चाहता हूं, पूरे देश को ईद मुबारक। अमन चैन भाईचारा जो इस देश की विरासत है बढ़े, लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव बढ़े, हम एक होकर पूरे समाज, पूरे देश, पूरे प्रदेश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। ये एक ऐसा मुकद्दस दिन है जब पूरे एक महीने तक अपने आप को तपा कर, अपने आप को भूख का एहसास कराकर, प्यास का एहसास कराकर एक ही दुआ की जाती है कि कैसे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अमन चैन शांति रहे, भाईचारा रहे, हम दूसरे की तकलीफ़ को देखें, दूसरे की तकलीफ़ को महसूस करें और उसकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करें। तो एक ऐसा मुकद्दस मौका है, एक ऐसा मुकद्दस त्यौहार है जिस पे दूसरे की पीड़ा को एहसास करने की विरासत ये हमारे प्रदेश, हमारे देश की ये एक खाती है। मैं सबको ईद मुबारक कहते हुए ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि देश में अमन चैन भाईचारा और सौहार्द बढ़े और हम सब खुशहाल होकर रहें। रमज़ान के 30 रोज़े मुकम्मल हुए, अल्लाह ताला ने हमें उसकी बरकतों के लिए एक दिन ईद मनाने का दिया जो ईद उल फितर है, और दो रकात नमाज वाजिबात शहर से दूर ईदगाह में जाके उसको अदा करने का हुक्म है कि वहाँ जाओ और सब लोग एक साथ ईद मनाओ, भाइयों से गले लगो और वहाँ पर एक दूसरे को मुबारकबाद दो और दिल के मैल साफ़ करो, आपस में इत्तेफाक मोहब्बत रखो। और ईद का मतलब है कि दिलों से खलिश निकाल दी जाए, दिलों से नफरत निकाल दी जाए, बुग्ज़ निकाल दिया जाए, एक दूसरे के लिए जो दुश्मनी है वो ख़त्म कर दी जाए, यही असल मकसद है। और हम इसी के साथ पूरे हिंदुस्तान और पूरे राजस्थान के हिंदू और मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से इस देश, प्रदेश और जयपुर के तमाम बाशिंदों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक महीने के कड़ी धूप और गर्मी में जिस तरीके से लोगों ने रोज़े रखे और आज हमने यहाँ हमारे देश में, प्रदेश में, जयपुर में अमन चैन सुकून शांति रहे, उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ की है अहले मुसलमान ने। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ईद की नमाज बड़े भाईचारे, अमन और शांति का मैसेज देते हुए ईद की नमाज आज यहाँ ईदगाह में पढ़ी गई और बहुत हर्षोल्लास के साथ तमाम भाइयों ने यहाँ आके शिरकत करी नमाज में। एक महीने के रोज़े के बाद में ये मुकद्दस दिन आया है और लोगों ने बड़े हर्षोल्लास और जोश व खरोश के साथ यहाँ नमाज अदा की। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि न किसी की आँख नम हो, न किसी के सीने में गम हो, ऐसी ईद तमाम लोगों के लिए आए। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।